लेट अस सिंग, क्या लिखा है? लेट अस सिंग, आओ गाएं, आओ गाएं। तो कविता का नाम है, पोएम का नाम है हॉप अ लिटिल। हॉप अ लिटिल, हॉप माने होता है हल्के से कूदना, हल्के से कूदना। अ लिटिल माने थोड़ा, अ लिटिल माने थोड़ा। अब गाते हैं, ठीक है? देखो बच्ची कूद रही ना, पूरा कविता गाएंगे फिर उसका अर्थ सीखेंगे ना। गाओ, हॉप अ लिटिल, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, वन टू थ्री, वन टू थ्री, स्टैम्प अ लिटिल, लिटिल, स्किप अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, टैप वन नी, डांस अ लिटिल, डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, शेक योर हैंड, शेक योर हैंड, यान अ लिटिल, यान अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल, इन योर बेड, इन योर बेड। मजा आया? देखो आज कौन से न्यू वर्ड हमने सीखे। एक सीखा हमने हॉप, क्या सीखा? हॉप माने होता है कूदना, जैसे एक पांव से कूदना, थोड़ी दूर कूदना, जैसे मेंढक का बच्चा कूदता है थोड़ी थोड़ी दूर ना, ऐसे। और जंप माने होता है दोनों पैरों से ताकत लगा के दूर तक कूदना, ठीक है, उसको जंप बोलते हैं। हॉप और जंप दोनों माने कूदना ही होता है, ठीक है। फिर आता है स्टैम्प, क्या आता है स्टैम्प? स्टैम्प से होता है पैर से जमीन पे चोट करना, क्या करना? पैर से जमीन पे चोट करना, ऐसे। हाँ, जैसे लड़की देखो कूदेगी ना, ये रस्सी कूदेगी तो स्टैम्प करेगी जमीन पे, पहले ताकत लगाएगी फिर ऊपर उछलेगी ना, तो स्टैम्प करेगी जमीन पे। अ लिटिल माने थोड़ा सा। फिर स्किप माने छोड़ेगी, फिर जमीन को क्या कर देगी? छोड़ देगी, फिर रस्सी निकल जाएगी। टैप वन नी, ठीक है, टैप माने उसे टोटी भी होती है, और टैप माने थपथपाना भी होता है कि नी को अपना थोड़ा थपथपाओ, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा, टैप पढ़ा, स्किप पढ़ा, स्किप माने छोड़ना ना। डांस, डांस माने क्या होता है? नाचना, क्या होता है? नाचना, जैसे लेडी नाच रही है। ट्विस्ट माने थोड़ा मुड़ना, जब डांस कर दे तो मुड़ते भी तो हैं, हैं। और फिर शेक माने क्या होता है? हिलना, क्या लिखा है? शेक योर हैंड, अपने हाथ हिलाओ। डांस अ लिटिल, हल्का सा डांस करो। ट्विस्ट अ लिटिल, हल्का सा मुड़ो। शेक योर हैंड, अपने हाथ हिलाओ, ठीक है। फिर क्या है? यॉन, ये है ना, यॉन माने होता है जम्हाई लेना, क्या होता है? जब हम थक जाते हैं, नींद आती है, तो हमें जम्हाई आती है। देखो ये यान कर रहा है ना, जम्हाई ले रहा, फिर जम्हाई लेने के बाद क्या जाएगा? यान अ लिटिल, यही यान लिखा है, हल्की सी जम्हाई लो। फिर क्या है? स्लीप अ लिटिल, ये देखो वर्ड स्लीप, स्लीप माने सोना, और फिर हल्के से सो जाओ, क्या करो? इन योर बेड, अपने बिस्तर पे सो जाओ। तो ये हमने वर्ड आज सीखे, हॉप, जंप, स्टैम्प, स्किप, टैप, डांस, ट्विस्ट, शेक, यान और स्लीप, ठीक है। मजा आया कविता में? कविता का मतलब भी समझ गए हैं? जैसे है हॉप अ लिटिल, हल्का उछलो, जंप अ लिटिल, हल्का कूदो, वन टू थ्री, वन पे कूदो, टू पे कूदो, थ्री पे कूदो, हैं। स्टैम्प अ लिटिल, जमीन पे चोट करो, स्टैम्प करो पैर से, फिर स्किप अ लिटिल, फिर थोड़ा सा छोड़ो, तो थोड़ा सा ऊपर को उछलो, टैप वन नी, और अपने इस क्या करो, वन नी को टच करो इस डोरी से, हैं, टैप करो। फिर क्या है? डांस अ लिटिल, हल्का सा डांस करो, ट्विस्ट अ लिटिल, हल्का सा मुड़ो, झुको, हैं, शेक योर हैंड, अपने हाथ भी हिलाओ। फिर क्या है? यॉन अ लिटिल, जम्हाई लो हल्के से, स्लीप अ लिटिल, थोड़ा सो जाओ, इन योर बेड, अपने बिस्तर पे।